हेलो एवरीवन, दिस इज गुड रनियर एंड यू आर वाचिंग योर ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है क्वार्टर इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 मैं बताने जा रही हूं। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मुझे रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करनी है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी एंड सी को फाइंड आउट करना है। अब ये ए बी एंड सी क्या है? सो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x2, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ cos 10। सो ए की वैल्यू है भाई 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -6। अब मुझे a एंड c के प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो a एंड c के जो प्रोडक्ट हैं, a एंड c के जो प्रोडक्ट हैं वो 2 into -6 हो जाएंगे इज इक्वल टू 12। ओके, अब मुझे 12 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स आते हैं 6 into 2 and 4 into 3। ओके, अब मुझे क्या इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, मुझे इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जिससे कि प्लस या माइनस करने के बाद ये मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करें। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। मिडिल टर्म का मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ये 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो सकता है, राइट? नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x इनटू x प्लस 2 माइनस 3 इनटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 into x plus 2 is equal to 0. So either two x minus 3 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So the roots are required roots are x is equal to 3/2 and x is equal to -2.